जेपी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। सेशन 2020-23 पार्ट वन के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखें अंत तक। आज के इस वीडियो में हम आपको जेपी यूनिवर्सिटी से जुड़ी पल पल की अपडेट देंगे। जी हाँ, जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा अभी अभी न्यू सूचना न्यू नोटिस जारी हो चुका है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जेपी यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी स्टूडेंट्स के लिए जितने भी जो 2020-23 के लगातार स्टूडेंट्स सवाल कर रहे थे कि सर एग्जाम फॉर्म कब से शुरू होगा, एग्जाम फॉर्म और परीक्षा को लेकर लगातार स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था। दोस्तों सवाल आना भी चाहिए क्योंकि एक साल हो चुके हैं स्टूडेंट्स को एडमिशन लिए और 1 ईयर्स एडमिशन लिए समाप्त हो चुका। अब यह दूसरा चल रहा है और अभी तक स्टूडेंट्स का एग्जाम फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, परीक्षा तक नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट्स का सवाल करना बिल्कुल जायज है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सबसे बेहतरीन और बड़ी खुशखबरी बताएंगे एग्जाम फॉर्म को लेकर कि एग्जाम फॉर्म आप लोगों का कब और कितनी तारीख से कितने बजे से शुरू होगा। इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लो। जी हां दोस्तों, गूगल ओपन करके आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है jpbadmission.org, लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही लिखकर सर्च करोगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जेपी यूनिवर्सिटी का। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हमारे सामने जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा नया विंडो ओपन हो रहा है। दोस्तों जैसे हम वेबसाइट पर आएंगे हमारे सामने देख सकते हैं जेपी यूनिवर्सिटी का नया विंडो ओपन हो चुका है। दोस्तों जयप्रकाश विश्वविद्यालय के बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहां पर है। दोस्तों जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में स्थित है, ठीक है। आप लोग छपरा में जाकर पता कर सकते हैं, जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा सभी इन्फॉर्मेशन जारी किया जाता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जेपी यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे थे पर उनको लोकेशन एड्रेस मालूम नहीं था। दोस्तों जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में स्थित है, ठीक है। अगर आप एड्रेस आते हैं तो नीचे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। यानी आपको जिन जिन छात्रों को चाहिए अगर एड्रेस जेपी यूनिवर्सिटी का तो आपको हम बता देंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे एग्जाम फॉर्म को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म को लेकर सवाल कर रहे हैं। दोस्तों एग्जाम फॉर्म आप लोगों का एग्जाम फॉर्म को लेकर जो अभी अपडेट आया है सबसे पहले हम आपको बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम फॉर्म आप लोगों का दोस्तों भरा जाएगा 4 जनवरी से। ध्यान से सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स, एग्जाम फॉर्म 4 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 4 जनवरी से इसलिए शुरू होगा कि यहां पर मैं आपको बता दूं कि 3 जनवरी तक जो है आप लोगों, देखिए 2 जनवरी तक जो है आप लोगों का पूरी तरह से विश्वविद्यालय बंद रहेगा। जी हां दोस्तों, पूरी तरह से विश्वविद्यालय 2 जनवरी तक बंद रहेगा। विश्वविद्यालय भी बंद रहेगा और उसके अंडर में जो कॉलेज आते हैं वो भी बंद रहेंगे। आप लोगों का 3 जनवरी को विश्वविद्यालय और कॉलेज खुलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसके बारे में मालूम होगा क्योंकि क्रिसमस और ऑकस के कारण जो है पूरी तरह से विश्वविद्यालय और कॉलेज बंद है, ठीक ना। अब 3 जनवरी आप लोगों का जो है विश्वविद्यालय ओपन होगा। तो दोस्तों यहां पर दोस्तों 3 जनवरी को आप लोगों का विश्वविद्यालय और कॉलेज ओपन हो जाएगा और 4 जनवरी से एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएगा। दोस्तों यह सूचना अधिकारियों द्वारा मिल रहा है, ठीक ना। अधिकारियों द्वारा यह पता चल रहा है कि आप लोगों का एग्जाम फॉर्म एग्जैक्टली 4 जनवरी से शुरू हो जाएगा 2 बजे के बाद। ध्यान से सुनिए, 2 बजे के बाद आप लोगों का 4 जनवरी को एग्जाम फॉर्म का लिंक एक्टिव किया जाएगा। लिंक एक्टिव होगा आपके इसी वेबसाइट पर, ठीक है। आप देखिए यह वेबसाइट आप लोगों को दिख रहा होगा jpbadmission.org, इसी वेबसाइट पर आप लोगों का लिंक एक्टिव होगा। उसके बाद यहां पर आप लोग नीचे आओगे तो यहीं पर आप लोगों का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर एग्जाम फॉर्म आप हमारा जो है, बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि सर एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा तो ऑनलाइन के बाद हमें ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने के बाद क्या कॉलेज में भी जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज में भी आपको जाना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। सभी स्टूडेंट सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने, 2020-23 पार्ट वन के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हो, BA के स्टूडेंट्स हो या BSc के हो या BCom के हो, आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना है अपने मोबाइल फोन लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से या किसी भी दुकानदार साइबर कैप के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरवा सकते हो। उसको भरने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर कॉलेज में वेरीफाई करवाना होगा, कॉलेज में यानी सत्यापन करवाना होगा। उसके बाद आपको वहां पर जो एग्जाम फॉर्म का शुल्क लगता है, पैसा लगता है, वो पैसा भी देना होगा, ठीक है। उसके बाद जाकर आपका पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर एडमिट कार्ड आपका जारी होगा। ये सब प्रोसेसिंग आपको निभाना होगा, ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स। और इस वीडियो को अपने निजी फ्रेंड दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल
पर न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए पल पल के अपडेट पाने के लिए। और वीडियो को दोस्तों सभी निजी फ्रेंड दोस्तों को शेयर करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें और ज्वाइन हो जाए। आने वाली सभी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाओ, ठीक ना, कि सभी जुड़ी जानकारी अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि सर हमें यह बताइए कि हमारा परीक्षा कब से होने वाला है। दोस्तों देखिए 20-23 के जितने भी स्टूडेंट्स परीक्षा को लेकर जो सवाल कर रहे हैं, परीक्षा आप लोगों का जो है मई में या तो अप्रैल में जारी होगा, क्योंकि देखिए अभी अप्रैल और मई में ही आप लोगों का परीक्षा जो है शुरू होगा पूरी तरह से कंप्लीट, क्योंकि अधिकारियों द्वारा यह सूचना मिल रहा है कि मई अप्रैल में ही परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है, 20-23 के छात्रों का अप्रैल में ही परीक्षा लिया जाएगा। अगर पहले परीक्षा लिया जाता है, पहले अगर रूटीन जारी किया जाता है, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, चिंता मत करिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और कोई भी सवाल हो तो नीचे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, सभी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।